बड़ी खबर, कर्मभूमि कन्नौज आए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, बोले हार का सदमा लगने के कारण लाल लाल चिल्ला रहे विपक्षी, लाल रंग पर निशाना साधने वालों पर चलाए जुबानी जवाबी तीर, प्रदेश में चारों ओर लूट खसोट अपराध, फिर भी हार का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाने वाले हमारे विपक्षी कर रहे जनता को गुमराह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रकरण पर बोले अखिलेश, मैं कुछ नहीं कहूंगा, बीजेपी के लोग सफाई दें। कन्नौज में पूर्व विधायक के आवास पर उनकी दिवंगत मां को श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे थे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। न्यूज ऑफ इंडिया 201 चैनल को सब्सक्राइब कर आल बेल दबाएं। सपा सुप्रीमो व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने क्या कही और बड़ी बात जानने के लिए उनकी जुबानी सुने व डिस्क्रिप्शन में जाएं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। कन्नौज से संदीप शर्मा की रिपोर्ट, संपादक घनश्याम सिंह, न्यूज ऑफ इंडिया 201 चैनल। कन्नौज लोकसभा के सभी लोगों ने समाजवादी पार्टी की मदद की, हर वर्ग से सहयोग, और जब मतदान हुआ तो कोई वर्ग नहीं बचा जिसने मतदान करने के साथ साथ समाजवादी पार्टी को जीत दिलाई न दिलाई दी हो। कन्नौज ऐतिहासिक परिणाम जो मिला उसके लिए मैं जनता का बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद देना चाहता हूँ, और विशेषकर छिबरामऊ की जनता से जिसने आगे बढ़ करके समाजवादी पार्टी को बहुत अच्छा मतदान किया और हर वर्ग के लोगों का सहयोग मिल गया। ये चुनाव जो था वो जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हराया है। पीडीए की रणनीति, इंडिया का गठबंधन, इसका परिणाम यह हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे छूट गई। जो आज आपको सरकार का व्यवहार बदला बदला दिखाई दे रहा है और उनकी जो भाषा बदली है, वो जो हार का सदमा है वो सहन नहीं कर पा रहे हैं। कभी कभी ये हार ऐसी चोट पहुंचा देती है कि आपके विचार बदल जाते हैं, और विचारों का आप परिणाम देखिए, जिनकी जिम्मेदारी है विदेश नीति की वो कम बोल रहे हैं, जिनको विदेश नीति के बारे में कोई जानकारी नहीं है वो सड़कों पर चिल्ला रहे हैं। अगर विदेश नीति पर किसी को बोलना है तो देश के प्रधानमंत्री बोल सकते हैं, विदेश मंत्री बोल सकते हैं, सरकार का जो भी इम्पोर्टेंट होगा या जिसको जिम्मेदारी दी जाएगी वो बोल सकेगा। लेकिन इधर देखिए आप कैसा तमाशा कर रहे हैं लोग सड़कों पर निकल करके, जो बात ये सड़कों पे कहना चाहते हैं वो जाएं अपनी सरकार के सबसे बड़े नेता से कह करके आए, और जिम्मेदारी उनकी ज़्यादा थी, जिम्मेदारी उनकी बनती है। चीज़ें अभी बदली नहीं हैं, कन्नौज के लोग जानते हैं कि विकास वहीं का वहीं ठप पड़ा हुआ है। मेडिकल कॉलेज की हालत देख लो, लोग अगर इलाज कराने जाएं तो वहाँ दवाई नहीं, इंतज़ाम नहीं। जो अस्पताल छिबरामऊ में बना था 100 बेड का, उसको भी बर्बाद कर दिया इन्होंने। एम्बुलेंस थी वो बर्बाद कर दी, पुलिस है वो बर्बाद कर दी, और पुलिस केवल भारतीय जनता पार्टी का काम कर रही है। कन्नौज में भी भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है, मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते होंगे जो पत्रकार साथी हैं कि कहाँ क्या चल रहा है। ये जितने हमारे पत्रकार साथी हैं इनको पूरे भ्रष्टाचार की जानकारी है कि किस तरीके से तहसील पे, किस तरीके से प्रशासन, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आप समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए प्रधान भी हैं तो आपका बजट नहीं आएगा, आपका इंटरनेट खराब हो जाएगा, और इसमें अधिकारी मिलकर काम कर रहे हैं जिससे समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए प्रधानों को उनका बजट ना मिल पाए, इसकी जिम्मेदारी किसकी? इसकी जिम्मेदारी बनती है प्रशासन की। और जो लखनऊ में बैठे लोग हैं